जिला अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर आकर UPHSSP परियोजना के अंतर्गत 51 जिला चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में आए नोटिस को लेकर जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि UPHSSP परियोजना योजना के अंतर्गत 51 जिला चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत लगभग 5000 कर्मचारी वर्ष 2015 से अब तक कार्यरत हैं। वे सभी कर्मचारी अपने पद पर अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अचानक परियोजना की तरफ से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को ईमेल आई कि आपको तत्काल 30/9/2019 तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। परियोजना द्वारा इस कार्यवाही में कर्मचारियों पर अपने जीवन का पालन पोषण व परिवार की रोजी रोटी कमाने की समस्या पैदा हो गई है, इसलिए शिकायती पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध हुई कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही करें, ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में न चला जाए। अगर शाम तक शासन द्वारा कोई उचित कार्यवाही करके सभी कर्मचारियों को हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाती है, तो कल से सभी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने का ऐलान किया है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। नरेंद्र जी, क्या समस्या आपकी? किस? हमारी समस्या है कि हम जो है 4 साल से जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में UPHSSP एक प्रोजेक्ट है उसके थ्रू काम कर रहे थे। अचानक हम लोगों को अब से एक महीने 15 दिन पहले एक मेल आया था सबकी ईमेल पे कि आप सब लोगों को निकाला जा रहा है 30 सितंबर से। तो सब जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इस चीज़ से परेशान हो गए और हम लोग जो है इस चीज़ की जानकारी DM ऑफिस में देने आए। तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? हमको ये आश्वासन मिला है, उन्होंने DM साहब ने बुलाया कि आप लोग फिलहाल काम पे जाइए, कोई धरना ना दीजिए और जो है जो भी रिपोर्ट होगी शासन से वो आपको 30 तारीख तक मिल जाएगी। तो कल को आपका धरना वह निश्चित है या हाँ, नहीं? निश्चित है, हमारा धरना कल से रहेगा, निश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। तो हड़ताल काम की हड़ताल रहेगी आपकी? जी काम की हड़ताल रहेगी आपकी? काम की हड़ताल रहेगी हम सब लोगों। ठीक है।